बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है स्पेशलिस्ट एंड द जर्नलिस्ट। ये जो टॉपिक है, आप लोग जो है वो एनिमल बिहेवियर वाला जो चैप्टर है उस वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो भी एनिमल बिहेवियर के अंदर ही आता है, ठीक है। अभी जो टॉपिक है हमारा, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जो टॉपिक है, इसमें दो वर्ड्स हैं, स्पेशलिस्ट एंड द जर्नलिस्ट। स्पेशलिस्ट का मतलब है कि जो स्पेशल है, ठीक है, मतलब जो अपने काम के अंदर जो है वो एक्सपर्ट है, जो स्पेशल है, उसका काम सिर्फ वही करेगा, उसका काम जो है वो कोई और जो है वो नहीं कर सकता। दूसरा हमारे पास है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब है कि हमारे पास जनरल वर्क जो है जो कोई हर कोई कर सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है वो कॉमन ये है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो किसी को अगर गले का प्रॉब्लम है ना, तो पेशेंट उस डॉक्टर के पास प्रेफर करते थे ना जो है आपके पास गले का स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है। गले का स्पेशलिस्ट का मतलब है जिसके पास जो है वो जो इसके अंदर जो है वो एक्सपर्ट होगा, उसके अंदर जो है वो उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर उसके पास जो है आप जो है वो पेशेंट जो है वो प्रेफर करता है जाना। और एक होता है हमारे पास वो जो हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, उसकी हमारे पास फ़ी भी हाई होगी, ठीक है। वो जो है वो सिर्फ गले के पेशेंट से करेगा, वो आपके वो जो है वो टांग किसी की टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, वो जो है वो पेशेंट है वो जो है वो पेशेंट को चेक नहीं करेगा, क्यों? उसके पास एक जवाब होगा कि मैं इस चीज़ का डॉक्टर ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं इसका जो है वो स्पेशलिस्ट ही नहीं हूँ, ठीक है। और एक हमारे पास होता है MBBS डॉक्टर, उसके पास अगर किसी गला ख़राब है चला जाए, वो उसको मेडिसिन दे देता है, किसी टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, किसी भी चीज़ में, ठीक है, वो जनरल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है कि हमारे पास स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट में क्या डिफरेंस है। स्पेशलिस्ट का मतलब है जो अपने काम में स्पेशल है, ठीक है, जिसको अपने काम का जो है बहुत अच्छी तरह पता है, उसका काम उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। दूसरा हमारे पास आता है जर्नलिस्ट, ठीक है। जर्नलिस्ट में हमारे पास जो जर्नल वर्क करते हैं, ठीक है, जो हर कोई काम कर सकता है, ठीक है। तो वो जो है आप देखें, अब फॉर एग्जाम्पल आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी जो है आप केमिस्ट्री का टीचर आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। मैं इसका मतलब है कि जो है स्पेशलिस्ट है अगर वो, और अगर वह सिक्स का एक बच्चा आज बेशक उसने MSc केमिस्ट्री की हुई है, BA सोलॉजी किया हुआ है, या ठीक है, तो वो उसको जो है सिक्स के बच्चे को आके पढ़ा सकते हैं, वो जनरल बुक्स हैं। और आगे नाइन्थ से ऑनवर्ड जाके आपके पास जो है वो आपकी स्पेशल बुक्स होती हैं आप लोगों की, ठीक है। ये स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट का हिसाब है। अब देखिए, अब हमारे पास जो है अब हमारे पास जो एनिमल्स हैं ना, वो भी स्पेशलिस्ट होते हैं अपनी डाइट के अकॉर्डिंग, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग। देखें कि अब हम अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में देखें ना, नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है वहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्राउट फिश पाई जाती है, ठीक है। ट्राउट फिश जो है हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ में प्रेजेंट होती है, क्यों? उसका हैबिटेट स्पेसिफिक है, उसका हैबिटेट स्पेसिफिक वहाँ पर कोल्ड वाटर होता है, वहाँ पर फ्रेश वाटर नीट एंड क्लीन होता है। अगर आप नॉर्दर्न एरिया से हट के किसी और एरियाज़ में जाएँ, तो वहाँ पर जो है हमारे पास जो है वहाँ पर नॉर्दर्न एरियाज़ के अलावा हमारे पास वहाँ पर लेक्स भी प्रेजेंट होती है, लेक्स में हमारे पास फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, इनलैंड वाटर होता है हमारे पास। तो हमारे पास वहाँ पे ट्राउट के अलावा मल्ली, रहू, कैटला, ये सारे के सारे जो है ना ये फिशेस प्रेजेंट होंगे मास वाइड ट्राउट के, क्योंकि ट्राउट जो है उसका हैबिटेट स्पेसिफिक है, ट्राउट का जो हैबिटेट है वो स्पेसिफिक है, उसने अपने हैबिटेट में ही प्रेजेंट होना है। ये जो ट्राउट, मल्ली और ये रहू वगैरह है ना, ये जो है ये जहाँ पे वाटर की टेम्परेचर, pH लेवल ठीक है, वहाँ पे जो है ये इस पे बेस करती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है, अब हमारे पास इसका मतलब है कि जो एनिमल्स हैं वो अपनी डाइट के अकॉर्डिंग भी स्पेसिफिक है, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी स्पेसिफिक। अब इंसान है वो जंगलों में ही रहता है, क्यों? वो उसका हैबिटेट ही नहीं है, ठीक है। और जो परिंदे हैं, जो हमारे पास बर्ड्स हैं, वो हमारे पास जो हमारे पास एनिमल्स हैं, वो हमारे पास फॉरेस्ट में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, वो घरों में नहीं रहते, क्योंकि वो जो है वो उनका हैबिटेट ही नहीं है। जब आप हैबिटेट डिस्टर्ब करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, फिर हमारे पास एक्सटिंक्शन आती है, हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं ना वो हमारे पास एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। अब अगर देखें अब आप लोग कि हमारे पास क्या है कि अब जो हमारे एनिमल्स हैं वो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमारे पास जो है डे बाई डे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, फिर हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ओजोन लेवल का इशू आ रहा है, जिससे क्या है हमारे पास इसका मतलब है हमारा टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहा है। आप देखें अब आज कल इतनी ज़्यादा गर्मी है, अगर आप 4 साल पहले पीछे जाएँ तो इतनी गर्मी नहीं थी, इसका रीज़न क्या है, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, हमारे पास ओजोन लेयर डे बाई डे डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से क्या हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, उनको एनिमल्स को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, हैबिटेट नहीं मिल रहा, जिससे जो है उनकी जो है वो डेथ होते जा रही है, ठीक है, और वो जो है हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। ये जो है इसका मतलब है
कि अब जो शेर है वो जंगलों में रहता है, तो अब उसको अगर आप घर में ला कर रखेंगे तो उसको उसका हैबिटेट नहीं मिलेगा। घर जो है कितने फॉरेस्ट में जगह बहुत ज़्यादा खुली होती है, वो रोर करता है, ठीक है, वो मतलब वो ऊँची आवाज़ में जो बोलता है गरजता है, ठीक है, वो रोरिंग करता है। फिर वहाँ पर जो है उसका फिर जो है प्रेडेटर प्रे वाला रिलेशनशिप है उसका, ठीक है। ये जो है इसका मतलब है कि वो जो एरिया है वो उसका स्पेसिफिक है, वो उसका जो है वो स्पेशल है, वो हर जगह पे आप उस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब एक इंसान है, अगर वो फॉरेन कंट्री से आया हुआ है तो वो पाकिस्तान आ जाए तो सर्वाइव करना उनको मुश्किल हो जाता है। क्यों? उनका वो उनका जो वहाँ का हैबिटेट है ना, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो डाइट है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट हुए होते हैं, उनका चेंज होता है, फिर जो है उनको टाइम लगता है सेट होने में, ठीक है। वो जो टाइम, ठीक है, ये चीज़ें अब इसके अंदर हमारे पास जो स्पेसिफिक और हमारे पास में वो स्पेसिफिक सिटी में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एवोल्यूशन हो रही है, चेंजेस हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। जिस तरह अब जो है, पहले हमारे पास डायनासोर प्रेजेंट होते थे, अब जो है हमारे पास डायनासोर प्रेजेंट नहीं है। रीज़न क्या है? हमारे पास क्या, उनका हैबिटेट नहीं है, उनके हमारे पास डाइट नहीं है, हैबिटेट चेंज हुआ है, हैबिटेट चेंज हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर पाए और वो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। वो हमारे पास एक्सटिंक्ट हो गए, उनका जो सारे थे, जो नंबर्स थे, वो सारे ख़त्म हो गए, और वो जो है वो टोटली जो है पूरे वर्ल्ड में से जो है एक्सटिंक्ट हो गए आपका। फिर हमें जो है फॉसिल्स मिलते हैं, फिर हम बताते हैं इनका जो हैबिटेट था वो स्पेसिफिक था, ठीक है। अब उसने कहा है कि अब इसमें जो हमारे पास उसने एग्जांपल दिया, उसने हमें दी है कोला। कोला हमारे पास जो है मार्सुपियल है, मतलब हमारे पास जो है ये मंकीज हैं, एप्स हैं, ठीक है। ये एप्स हमारे पास एप्स में आती है। तो अब उसने कहा है जो कोला है ना हमारे पास, ये ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल है, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में कोला प्रेजेंट होता है। अब इसकी अब देखिए, अब उसकी उसने कहा देखे ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास जो है वो ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास जो है वो ट्रीज़ बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, अमेजॉन फॉरेस्ट जो है हमारे पास वो ऑस्ट्रेलिया में ही है, वो जो जो कि अभी तक जो हम उसको डिस्कवर नहीं कर पाए, ठीक है। अभी तक साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने उसको पूरा का पूरा डिस्कवर नहीं किया। वो जाते हैं अगर एक ट्री को उन्होंने डिस्कवर किया था तो वो उनको उसी ट्री में से जो है कुछ नया मिल जाता है डिस्कवरी, और उसमें फिर दोबारा रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। पूरा का पूरा अभी तक जो है वो किसी ने भी नहीं देखा, और उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, उधर रात होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत डेंस ट्रीज़ हैं, वो जो सनलाइट है ना वो उनके अपर साइड, अपर लीव्स पे, स्टेम्स पे रहती है, नीचे जो लाइट आती नहीं है। फिर वहाँ पे मैं आर्टिफिशियल लाइट ट्यूब्स वगैरह चाहे हम जो है वो साथ जो है अपने जो है वो लेके जाते हैं, ठीक है। उसने कहा है हमारे पास जो कोला है, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन मार्सल पहले अभी खाता गया, अब इसकी जो डाइट है वो ये है कि वो यूकलिप्टस ट्रीज़ के लीव्स खाता है। यूकलिप्टस का मतलब है सफ़ेदे के पत्ते खाता है, ये सफ़ेदे का दरख्त है ना, उसके जो पत्ते खाता है। जो हमारे पास यूकलिप्टस है ये नेटिव एनिमल भी हमारे पास जो है ये नेटिव ट्री भी नहीं है पाकिस्तान का, ये हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था, और यहाँ पे जो हमने जो है उसको वो है वो ग्रो किया था, ठीक है। और जिससे और फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो है यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास डाइट है वो हमारे पास जो है कोला मार्सुपियल का ही हमारे पास जो डाइट है इसकी वो यूकलिप्टस ट्रीज़ है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ यूकलिप्टस ट्रीज़ पाए प्रेजेंट होंगे वहाँ पर कोला जो है वो होगा, मार्सुपियल होगा। जहाँ पर यूकलिप्टस का ट्रीज़ नहीं है वहाँ पर जो है वो कोला है हमारे पास, कोला मार्सुपियल है, ये मंकी है, वो हमारे पास वहाँ पर प्रेजेंट है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसका वो अब क्यों खाता है वो रीज़न ये है कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पे डाइजेशन होती है वो अडेप्ट हुआ हुआ है, कि वो ऐसा अडेप्ट हुआ हुआ है कि उन्होंने लीव्स से ही एनर्जी ड्राइव करनी है, लीव्स से ही एनर्जी लेनी है, ठीक है, और अपने जो है वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो है वो करने हैं, ठीक है। और जो है उसी से जो है उन्होंने वो अपने ड्राइव करनी एनर्जी, ठीक है, उसी से ड्राइव करनी और एफिशिएंटली जो है वो वर्क करना है। अब देखिए, अब इंसान है वो पत्ते नहीं खा सकता, क्यों? क्योंकि वो पत्ते उसको जो एनर्जी है वो नहीं मिलेगी उसमें से। हमारे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलुलेज एंजाइम नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो हम क्या फिर हम हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, हम लोग वो चीज़ खाते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट कर पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास जो कोला है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, ये हमारे पास जो है ये यूकलिप्टस का जो ट्री है, सफ़ेदे के दरख्त के जो पत्ते हैं उसको खाता है, उनको खाने से एनर्जी मिलती है, एनर्जी उसको मिलती है। रीज़न ये है कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अडेप्ट है, वो उस चीज़ का आदि है, उसकी जो है वो डाइट है, वो उसकी जो है जो उसकी डाइट है वो जो है उसकी वो यूकलिप्टस ट्रीज है, ठीक है। उसने उस चीज़ से एनर्जी लेनी है, ठीक है। और जो है
तो उसने उस एनर्जी को जो है उसने जो है वो अपने उस एनर्जी को जो है उसने फिर अपने नॉर्मल जो फंक्शन हैं उसके उसके अंदर जो है उसने जो है वो यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसने हम अब उसने कहा है कि अब देखिए ये जो हमारे पास यूकेलिप्टस ट्रीज़ हैं ये और जो हमारा कोला मार्सुपियल है ये हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक है, स्पेशलिस्ट है हमारे पास, ये जो ट्रीज हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशल हैं कोला के लिए। ठीक है, अब वो जो है वही जो है वो उस पर सर्वाइव करता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर जो है हमारे पास जो है कि अगर कोई भी प्लांट डिजीज़ आ जाए, ठीक है, कोई डिजीज़ जो है वो कोई यूकेलिप्टस ट्रीज को जो है वो लग जाए, प्लांट कोई भी लग जाए, इसका मतलब क्या होगा जो हमारे पास जो यूकेलिप्टस ट्रीज हैं उनका नंबर उनकी रेशो कम होती जाएगी, जिससे क्या होगा उनकी रेशो कम होगी, इसका मतलब उनको जो फूड है फूड हमारे कोला की है, कोला का भी फूड नहीं मिलेगी। ठीक है, उससे क्या होगा कोला जो कोला हमारे मार्सुपियल्स हैं उनकी भी डेथ होने लग जाएगी, उनका भी जो नंबर है हमारे पास जो है वो कम होता जाएगा डे बाई डे। रीज़न क्या है, उनको उनको सर्वाइव करने के लिए उनको फूड चाहिए। ठीक है, उनको सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए जो कि फूड उनके यूकेलिप्टस ट्रीज। अब यूकेलिप्टस ट्रीज को जो है कोई बीमारी लग गई है, ठीक है, यूकेलिप्टस सफेद दरख्त को कोई जो है वो बीमारी लग गई है, ठीक है, पौधों की, उस बीमारी ने क्या किया है यूकेलिप्टस ट्रीज का जो है वो हमारे पास यूकेलिप्टस ट्रीज का जो है उनको डेड करना शुरू कर दिया, उनके उनके प्लांट्स के पार्ट्स को, वेजिटेटिव पार्ट्स को, ठीक है, फिर ग्रोइंग पार्ट्स को उसने डेड करना शुरू कर दिया। उन डेड करने से क्या होगा, डेड करना शुरू कर दिया जिससे क्या हो जाएगा उनका नंबर कम होता जाएगा, नंबर कम होता जा रहा है तो फूड नहीं मिलेगी, फूड जिनको फूड जिनको चाहिए कोला को चाहिए, कोला का नंबर भी डेड रिड्यूस होगा हमारे पास, हमारे पास जो है वो यूकेलिप्टस ट्रीज का जो है हमारे पास जो है वो जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये हमारे पास है रिस्की है, ठीक है, कि उनके पास देखिए अब इंसान है, अगर आपको रोटी नहीं मिलती तो आप हमारे पास अल्टरनेट होता है, हम चावल पका लें, चावल बना लें, ठीक है, या दलिया हमारे, इसका मतलब कि अल्टरनेट है, अगर वो भी नहीं है तो फ्रूट अगर है आप वो खा लें। बेसिक पर्पस क्या है, आपके जो स्टमक की जो ग्लूकोज लेवल डाउन हुआ है ना, एनर्जी डाउन हुई है, वो एनर्जी लेवल आपका पूरा हो जाए वो सोर्स कोई भी हो, ठीक है, अल्टरनेटिव सोर्स। अब चूँकि उनके पास अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, उनके पास अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, इसलिए जो है फिर वो जो है वो कोला का जो नंबर है वो डिक्रीज होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम जो हम इसको पढ़ते हैं। अब उसने कहा है सम एनिमल्स आर स्पेशलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू डाइट एंड द हैबिटेट सिलेक्शन। कहा है कि जो एनिमल्स हैं हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, स्पेसिफिक हैं उनकी डाइट और उनकी हैबिटेट। अगर आप किसी का घर तोड़ देंगे तो वो अपने घर में नहीं रह पाएगा, उस सड़क पर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, लोग कहेंगे आप सड़क पर क्यों रह रहे हैं, उनका उनके पास जवाब होता है कि हमारे पास हमारा घर नहीं है, उनके पास स्पेसिफिक एरिया नहीं है। हर किसी के घर जो है स्पेसिफिक, आप आपका घर ये तो आप किसी दूसरे घर में जाकर नहीं रह सकते, क्योंकि आपका हैबिटेट उनका हैबिटेट में डिफरेंस है। किसी घर में गेस्ट चले जाएँ तो हर घर की जो है वो प्रायोरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रूल एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हैबिटेट की जो रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशन है वो डिफरेंट है, सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारा डाइट आ जाता है, क्योंकि जो डाइट है, डाइट जो है वही जो है आपके सर्वाइवल के लिए, जो डाइट है वो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए जो है वो डाइट नेसेसरी है। आप कुछ खाएंगे ये तो इंसान चले फिरेगा, इंसान नहीं पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने जितने भी एनिमल्स को है क्रिएट किए हुए हैं, अगर उनको डाइट मिलेगी तो वो सर्वाइव करेंगे, अगर डाइट नहीं मिलेगी तो सर्वाइव नहीं करेंगे। अब आप देखें थर और थल में कहत है, फेमाइन है, ठीक है, तो उससे बच्चे वहाँ से भूख से मर जाते हैं, भूख से बच्चे मारे, रीज़न क्या है, उनका उनके पास इतनी इना फूड नहीं है कि वो जो है अपने स्टमक की क्रेविंग, अपने बॉडी की एनर्जी को जो है फुलफिल कर सके, उनको प्रॉपर जो है फूड नहीं मिलता, जिससे क्या होता है उनका जो है लेवल है ग्लूकोज लेवल डाउन रहता है, फिर क्या होता है उनका स्टमक की जो सॉरी उनकी बॉडी सेल जो है उनकी डेथ होने लग जाती है। ठीक है, एनर्जी नहीं मिलती, डेड होने लग जाते हैं, उससे क्या होता है फिर उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, एवोल्यूशन है रिजल्टेड इन दीज एनिमल्स being very efficient at utilizing a particular resources। अब देखिए उसने कहा हमारे पास जो evolution है वो उसने क्या किया है, वो हमारे पास efficient हो गई है, क्यों, क्योंकि वो जो है वो particular resources को जो utilize कर सके। अब हमारे पास जो है, अब देखिए अब इंसान वो उसके अंदर evolution उसके अंदर चेंज था ही नहीं था पैसे जो फ्रेम भाई इंसान था, तो जो दरख्तों के पत्तों से अपने बॉडी को ढांपता था, दो पत्थरों को रगड़ता था, आग जलती थी, जानवरों का शिकार करता था, ठीक है, वो पहाड़ों पे रहता था। अब देखें वो इंसान है और जो आज का इंसान है कितना फ़र्क है। अब पहले वहाँ पे पत्तों को रगड़ते थे तो आग जलती थी, ठीक है, अब क्या, अब जो हम लोग एक बर्नर ऑन करते हैं हमारे पास जो ऑटोमेटिक हमारे चूल्हे आ गए हैं, ठीक है, वो हमारे पास बर्नर ऑन करते हैं, बर्नर ऑन करने से क्या होता है,
ठीक है, बर्नर ऑन करने से क्या होता है, गैस वाले अति खाना इजीली कुक हो जाता है, ठीक है, जबकि पहले था वो ऐसा नहीं था। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एवोल्यूशन आई, एवोल्यूशन में हम एवोल्यूशन आई है, फिर हमारे पास जो है रिसोर्स आए, हमने उन रिसोर्स को यूटिलाइज़ किया और अपने आप को जो है वो वेल डेवेल्प वेल मैनेज कर लिया है। आज का इंसान बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, पहले भी इंसान थे, अल्लाह ताला ने पहले भी वही इंसान थे, आज भी वही इंसान है, बस डिफरेंस ये है कि उसने जो अल्लाह ताला ने उसको दिमाग दिया ना, उसने उसको 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 इस्तेमाल करना शुरू किया, उसको उसका उसको यूज़ करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि जो है वो उसको उनको सीखे, उनको देखे, ठीक है, अपने दिमाग को जो है इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करने के बाद जो अल्लाह ताला ने उसको अक्ल दी है, दिमाग दिया है, उसने जो है उसने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है और अपनी जो लाइफ है उसको इजी कर लिया है, ठीक है। अब जो है पहले कहीं जाते थे तो इतना घंटे लगते थे, अब हमारे पास जो है एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, घंटों जहाँ घंटे लगते थे वहाँ अब हमारे पास जो है वो घंटे लगते हैं, वहाँ पर मिनट्स लगते हैं, जहाँ पर दिन लगते थे वहाँ पर घंटे लगते हैं। इसका मतलब क्या है, इंसान ने अपनी अक्ल के साथ जो है अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है उसने ओवरकम कर लिया है। अब उसने भी एग्जांपल दिया, द कोला इन द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ईट्स द लीव्स ऑफ द ओनली सर्टन स्पीशीज ऑफ द यूकेलिप्टस ट्री। उसने कहा जो ऑस्ट्रेलियन हमारे पास मार्सुपियल ना, कोला उसका नाम है, वो क्या करता है, वो मार्सुपियल जो हमारे पास यूकेलिप्टस है ना ट्री, उसकी सर्टन स्पीशीज़ है। मतलब देखें अभी जो पत्ते हैं ना ट्री था हमारे पास, उनकी ट्री था यूकेलिप्टस, उनकी भी जो है वो स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी जो है वो डिफरेंस आता है, ठीक है, स्पेशल होती है, मतलब उनके बहन भाई होते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, कहता है कि उसने जो है उसने जो है वो स्पेसिफिक उसका वो जो यूकेलिप्टस की स्पेसिफिक स्पीशीज जो है ना वो उसको खाता है, ठीक है, वो जो है उसको जो है एज अ फूड अपना जो है वो यूटिलाइज करता है। इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज अडेप्टेड टू डिराइव एनर्जी फ्राम द लीव्स। अब कहते हैं कि जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो अडेप्ट है, वो डिराइव हो चुका है कि उसने एनर्जी जो है वो यूकेलिप्टस ट्रीज से लेनी है, यूकेलिप्टस ट्रीज के स्पेसिफिक जो है स्पीशीज के लीव से लेनी है, उसका जो सिस्टम वो अडेप्ट है, उसको पता है उसने ये चीज़ खानी है। अब देखिए अब इंसान है, उसको पता है जो पत्ते हैं लीव्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता तो वो नहीं खाता, क्योंकि जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अडेप्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट में रोटी आ जाती है हमारी, ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वो खाता है, जो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्ट कर लेता है। जिस तरह देखें सेलुलोज हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो नहीं खा सकता इंसान, क्यों, क्योंकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना जो है वो इसके लिए अडेप्ट ही नहीं है, उसके पास सेलुलोज एंजाइम ही नहीं है जो उसको जो है वो डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। ऑफ दीज ट्रीज मोर एफिशेंटली देन आर द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अदर एनिमल। कहता है कि अब वो जो कोला है वो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्रीज जो क्रिप्टस ट्रीज के जो लीव्स हैं उनको एफिशेंटली डाइजेस्ट कर सकता है, बहुत अच्छी तरह डाइजेस्ट करता है, क्योंकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अडेप्ट है उस काम के लिए, अदर देन डैट जो हमारे पास और एनिमल्स हैं, ठीक है। उन एनिमल में अगर आप कंपेरिजन कर लें इंसान का और कोला का, अब इंसान है वो सेलुलोज नहीं खा सकता, पत्ते नहीं खा सकता, क्योंकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अडेप्टिव ही नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए कोला जो है वो लीव्स खाता है, ठीक है, उसके जो लीव्स हैं वो हमारे पास जो है जो उसके लीव्स हैं वो अडेप्टिव हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो अडेप्टिव है उसके लीव्स, इस वजह से ये है कि वो जो है वो उन लीव्स को खाता है, ठीक है, उससे जो है वो अपनी एनर्जी लेता है, ठीक है, इस क्योंकि वो जो है वो जो लीव्स हैं उनको मोर एफिशिएंटली मोर अडेप्टिवली मोर एक्यूरेटली जो है उसको उनको डाइजेस्ट करता है, और जो एनर्जी है उसको वो उसको जो है अपने पर्पज़ के लिए जो है वो अपने पर्पज़ के लिए जो है वो उसको यूटिलाइज़ करता है, ठीक है। अब कहते हैं ऑल दो बींग स्पेशलिस्ट मीन्स, कहते हैं अब देखें सारी बहस का मकसद क्या है कि स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है, मीन्स सक्सेसफुली एक्सप्लॉयटिंग अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज, कि आपने एक्सप्लॉयट कर देना, बता देना एक पर्टिकुलर रिसोर्स को। जैसे अब हमें पता है मून पर जो है वो लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती ह्यूमंस की, मतलब क्या है, हमने उसको एक्सप्लॉयट कर दिया है कि यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बेसिक रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे, हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो हमें रिसोर्सेज चाहिए थे इसमें हम आप एक्सप्लॉयट कर दिया ना, हम कहते हैं यहाँ पर नहीं है, सिर्फ जो अर्थ है प्लैनेट्स में, अर्थ पर जो है वो लाइफ सर्वाइव कर सकती है। इसका मतलब क्या, हमने अर्थ को क्या किया, एक्सप्लॉयट किया, हमने उसको बताया है हमने कि सिर्फ यहाँ यहाँ पर अर्थ में भी फ़लाँ फ़लाँ एरियाज पर फ़लाँ फ़लाँ जगह पर जो है वो आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, समझ आई इस चीज़ की। अब देखिए अब ठीक है, अब उसने कहा है कि हमने हमारे पास पर्टिकुलर रिसोर्सेज, अब इंसान है तो पता है रोटी खाता है या ग्लूकोज खाता है, वो एक्सप्लॉयट है कि हर इंसान रोटी खा लेता है, लेकिन अब देखिए ये तो नहीं ना कि हर इंसान रोटी खा लेता है, ठीक है,
तो हर इंसान पत्ते नहीं खाता, हमने एक्सप्लाइट कर दिया कि पत्ते इंसान नहीं खाता, हर इंसान रोटी खाता है, ठीक है, या वो रेड मीट लेता है, वाइट मीट लेता है, ठीक है, ये सारा हमने उन रिसोर्स को एक्सप्लाइट किया, हमने उनको बताया है, खोल के बताया है कि ये जो चीज़ें हमारे पास जो है हमारी वो ये हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रिस्की, रिस्की भी है, क्यों? अब देखें, अब हमारे पास डे बाई डे क्या हो रहा है, हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे पास जो फूड सोर्स हमारे कम हो रहे हैं, भाई हम कहाँ जा रहे हैं, नेचुरल से आर्टिफिशियल मेथड्स पे जा रहे हैं, ताकि हमारे पास जो है वो हम जो हमारे पास लार्ज नंबर हो, ठीक है, हमारे पास जो है वो लार्ज नंबर हो, ताकि हम जो है ओवरकम कर सकें, पॉपुलेशन को ओवरकम कर सकें, हम जो है सबको जो है वो प्रॉपर जो फूड है वो जो है वो प्रोवाइड कर सकें। इसका मतलब ये रिस्की है, क्योंकि उसका जो नंबर वो डिक्रीज कर जाता है। आपको पता है कि इंसान जो है, आप देखिए कि एक घर है वहाँ पे जो है एरिया है वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग हैं वो गोश्त बहुत खाते हैं, तो एक टाइम वहाँ पे आएगा सारे लोग गोश्त लेके जाएंगे ना, तो एक टाइम आपके पास आएगा कि वो जो गोश्त है वो आपके पास जो है वो कम पड़ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप और सोर्सेज ढूंढेंगे हमें कहाँ कहाँ से जो है वो गोश्त है वो मिल सकता है, ठीक है। ये हमारे पास जो रिस्की प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो नंबर जो लेवल है वो डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है, हमारे पास जो लेवल है वो डिक्रीज़ कर देता है। इफ़ अ प्लांट डिजीज इन्वेड एंड किल द ट्री ऑफ द यूकलिप्टस स्पीशीज, कहते हैं कि अब जो है कोई जो कोई भी जो है पौधों की जो है बीमारी जो है वो अटैक करती है, ठीक है, प्लांट डिजीज जो है वो यूकलिप्टस की स्पेसिफिक जो है वो स्पीशीज जो है उस पर जो है वो जाके जो है वो अटैक करती है, ठीक है। जब प्लांट डिजीज अटैक करेगी तो उससे क्या होगा कि जो है वो यूकलिप्टस के जो ट्रीज हैं उनकी जो है वो जो उनकी जो डेथ होने लग जाएगी, नंबर डिक्रीज हो जाएगा, नंबर डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, नंबर डिक्रीज होगा तो हमारे पास जो फूड है जो कोला की जो फूड है वो उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी। नंबर डिक्रीज हुआ है तो हमारे पास जो है जो कोला के जो कोला है हमारे पास उसका नाम लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब उसको फूड नहीं मिल रही तो वो ज़िंदा कैसे जाएगा। फूड जो है खुराक है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो जो है हमारे पास नेसेसरी है टू सर्वाइव। आपने सर्वाइवल जो है हमारे पास जो है वो फूड नेसेसरी है, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा, किल द ट्रीज ऑफ इफ़ ऑफ प्लांट डिजीज इन्वेड्स एंड किल द ट्रीज ऑफ द यूकलिप्टस स्पीशीज डैट फॉर्म द कोलास डाइट कोलास में नॉट एबल बी सर्वाइव, ठीक है। अब जब हमारे पास जो अब देखें, अब उसने कहा है कि हमारे पास जो यूकलिप्टस ट्रीज है हमारे पास जो है वो नेसेसरी है, हमारे पास फूड है उसकी, जब हमारे पास जो है यूकलिप्टस ट्रीज ही नहीं रहेंगे, ठीक है, जब हमारे पास यूकलिप्टस ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो कोला कैसे सर्वाइव करेगा, ठीक है, कोला कैसे सर्वाइव करेगा। अल्टीमेटली यूकलिप्टस ट्रीज की नंबर डिक्रीज हो जाएगा, हमारे पास जो कोला है उसका लेवल भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, और उससे फिर क्या होगा, हमारे पास दोनों स्पीशीज का दोनों का जो है वो लेवल जो है वो कम हो जाएगा और जो है वो डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब इसने ये बता दिया स्पेशलिस्ट का, मतलब वो स्पेशल है, उनका हैबिटेट भी स्पेशल, उनका जो है वो डाइट भी स्पेसिफिक है। कोला का बताया, कोला का यूकलिप्टस ट्रीज पे कोई भी प्लांट जैसे इन्वेट करेगी तो क्या होगा, कोला का जो है नंबर डिक्रीज कर जाएगा, नंबर डिक्रीज करेगा तो नंबर क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारे पास यूकलिप्टस ट्रीज पे डिजीज है, डिजीज इन्वेट की हुई है, ठीक है, उससे फिर क्या करेगा, फिर दोनों चीज़ें जो है कोला की डेथ हो जाएगी और हमारे पास जो यूकलिप्टस ट्रीज हैं उनका नंबर डिक्रीज हुआ बीमारी की वजह से, उनकी भी जो है वो फिर वो भी डेथ हो जाएगी। अब हमारे पास जो है स्पेशलिस्ट, अब हमने पढ़ना जर्नलिस्ट, मतलब जनरल जो मतलब कि जो सर्वाइव कर सकते हैं वो कुछ भी मिल जाए वो सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए भूख लगी है, रोटी नहीं है अगर आपके पास तो अगर आप चावल खा लेंगे, चावल भी नहीं है तो अगर फ्रूट खा लेंगे तो आप ओवरकम कर लेंगे ना। इसका मतलब क्या है कि आपने जो है वो सिर्फ सर्वाइव करना है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए जो है कि सर्वाइवल नेसेसरी जो जर्नलिस्ट है हमारे पास है वो मोर हमारे पास है वो उनके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पेशलिस्ट। क्यों स्पेशलिस्ट के हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक पीपल, जो जर्नलिस्ट है उसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा लोग। अब देखिए एक जो है एक डॉक्टर MBBS और एक जो है उसने जो FCPS की हुई है ENT में, ठीक है, मतलब ईयर थ्रॉड नोज का है। अब जो MBBS उसके पास कमर दर्द वाले ने भी आ जाना है, बुखार वाले ने भी आ जाना है, गले दर्द वाले ने भी आ जाना, आँखों में दर्द सब ने आ जाना, लेकिन हम ENT वहाँ पर सिर्फ गले का नाक और आँख कान का रहेगा, जिनको ये प्रॉब्लम है सिर्फ वो जाएंगे, बाकी सारे उनके कमर में दर्द है टांगों में दर्द है वो जाएँ वो नहीं जाएँ, क्योंकि उनको पता है डॉक्टर इस काम का ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो है वो जर्नलिस्ट को सर्वाइव करने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हमारे पास जो है वो स्पेशलिस्ट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जर्नलिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट क्या है हमारे पास, मैंने आपको बता दिया पहले, जर्नलिस्ट जो है हमारे पास उनके पास जो है वो वैरायटी होती है कि वो जो है कि उनके पास जो है वो वैरायटी ऑफ द फूड होती है, वो वैरायटी ऑफ द फूड ले लेते हैं, ठीक है, उनके पास ऑप्शन होता है ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है, क्योंकि रीज़न हमारे पास जो है कि सर्वाइव करना, वो उनके पास वैरायटी ऑफ द फूड होती है और वो क्या होता है वो जो है वो सर्वाइव जो है वो कर जाते हैं, ठीक है, उनके पास सर्वाइवल के लिए उनके पास है वैरायटी ऑफ द फूड होती है, और दूसरा हमारे पास उनके पास वैरायटी ऑफ द लिविंग और उनके पास वैरायटी ऑफ द हैबिटेट्स होती है।
ठीक है। अब देखिए हमारे पास चिड़ियाँ हैं, अगर दरख्तों पर ना अगर जगह मिले तो फिर क्या करती हैं, फिर घरों में घोंसला बना लेती हैं, घोंसला नेस्ट बनाती हैं। इसका मतलब क्या, उनके पास वैरायटी हैबिटेट की वैरायटी है हमारे पास, ठीक है। अभी जो है, अब ये जो एनिमल्स हैं ये वाइल्ड रेंज पर सर्वाइव कर सकते हैं। देख अब अगर आप इंसान को देख लें, इंसान के पास खाने को रोटी नहीं तो चावल खा लेगा, चावल नहीं है उसके पास खाने को तो फिर गोश्त खा लेगा, गोश्त नहीं दाल खा लेगा, दाल नहीं सब्ज़ी खा लेगा, सब्ज़ी नहीं है तो फिर हमारे पास जो है फिर वो फिश खा लेगा, फ़िश नहीं है हमारे पास तो फ्रूट ले लेगा। इसका मतलब क्या है, उसको सर्वाइव करने के लिए उसके पास वैरायटी आ गई है ना, ठीक है। अब इतनी बड़ी अर्थ इतनी बड़ी है, वो अगर उसको एक जगह पे घर नहीं मिला तो किसी और जगह पर जाकर रह लेगा, हैबिटेट की भी वैरायटी है उसके पास, ठीक है। अब हमारे पास जर्नलिस्ट हमारे पास जो है वो जर्नलिस्ट में जो हमारे पास है वो जो हमारे पास गुड एग्जांपल है ह्यूमंस की है। क्यों, अब देखिए मैंने रीज़न आपको बताया, खाने में उसके पास इतनी वैरायटी है, ठीक है। दूसरे उसके रहने में, एक जगह उसको घर पसंद नहीं आया तो वो कहेगा यहाँ नहीं तो मैं कहीं और ले लूँगा, सिटी में पसंद है तो सिटी चेंज कर लेगा, सिटी चेंज नहीं करेगा तो प्रोविंस चेंज कर लेगा, प्रोविंस में पसंद है तो कंट्री चेंज कर लेगा। इसका मतलब क्या, उसके पास लिस्ट है, नंबर ऑफ द वैरायटी है उसके पास कि वो यहाँ से यहाँ कहीं भी जाए वो शिफ्ट हो सकता है। रीज़न क्या है, सिर्फ सर्वाइवल, उसका जो रीज़न है वो सिर्फ है उसका सर्वाइवल है, वो कैसे भी जाए वो सर्वाइव जो है वो कर सकता है, ठीक है। और उसने कहा है कि हमारे पास जो हमारे पास ह्यूमंस है वो गुड एग्जांपल है हमारे पास जो है वो जर्नलिस्ट, ठीक है। अब देखिए उसने कहा है कि हमारे पास कुछ पेस्ट स्पीशीज है, जैसा कि हमारे पास है यूरोपियन स्टारलिंग, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे पास जो है ये सिर्फ जो है हमारे पास ये वन सेंचुरी अगो जो है हमारे पास रहता वहाँ पर हमने डिस्कवर किया था, ठीक है, हमारे पास जो है यूरोपियन स्टारलिंग, ठीक है। लेकिन कहते अभी देखें ये जो हमारे पास आलमोस्ट जो है ये हर टाइप के हैबिटेट में जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो है वो इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज के देखें, अब देखें आपको पता है एक इंसान ने हर चीज़ खा लेनी है, ठीक है। यहाँ जो है एनिमल ने हर चीज़ खा ली तो वहाँ पर कंपिटिशन आ जाता है, रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है वो कंपिटिशन आ जाता है, कंपिटिशन में क्या होता है हर कोई जो है कंपीट करता है कि मुझे इससे ज़्यादा मिल जाए। क्लास है, अगर आपकी क्लास में जो 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं का मतलब क्या, 30 स्टूडेंट्स में जाओ कंपटीशन होगा, मैं उससे ज़्यादा मार्क्स लूँ, इसका मतलब आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। क्यों, ताकि जो है आपको आगे बढ़ने के लिए आपको जो है वो कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास है जो कंपटीशन क्या करता है, फिर हमारे पास कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो पास हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो है वो डिसएडवांटेज है, ठीक है। और जो हमारे पास जो है इस वजह से जो है हमारे पास जो स्पेशलिस्ट हैं वो जो है स्पेशलिस्ट में जो हमारे पास है कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। वो लोग जो है इसलिए स्पेशलिस्ट जो है वो अवॉइड भी करते हैं। अब हम जो है इसको पढ़ते हैं, एट द अदर एंड ऑफ द कंटिन्यूज़म आर जर्नलिस्ट एनिमल्स कैपेबल ऑफ ईटिंग अ वैरायटी ऑफ द फूड और लिविंग इन अ वैरायटी ऑफ द हैबिटेट्स, ठीक है। कि अब उनके पास क्या है कि वैरायटी है, फूड की भी वैरायटी है, ठीक है उनके पास, और उनके पास जो है वो लिविंग हैबिटेट की भी वैरायटी है, ठीक है। कि उनके पास जो है वो हैबिटेट की भी वैरायटी है और जो है उनके पास जो है वो फूड की भी वैरायटी है। अगर उन्हें रोटी नहीं खानी तो चावल नहीं खाना दाल नहीं खानी तो उन्हें गोश्त खा लें, गोश्त नहीं खाना तो वो मटन खा लें, मटन नहीं खाना बीफ खा लें, बीफ नहीं खाना वो जो है कीमा खा लें, कीमा नहीं खाना फ़िश खा लें, फ़िश नहीं खाना जो है तो फिर वो जो है वो फ्राइड आइटम खा लें, फास्ट फूड खा लें, वो भी नहीं खाना तो फ्रूट खा लें। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ है वो उनके पास वैरायटी है फूड की, यहाँ जाना तो उस जगह पर ला लें, ये हैबिटेट की भी वैरायटी है, उनके पास जो है वो फूड की भी जो वैरायटी है, ठीक है। दीज एनिमल्स कैन सर्वाइव अंडर अ वाइड रेंज ऑफ द कंडीशन, ये जो एनिमल्स हैं ये वाइड रेंज ऑफ द कंडीशन मतलब जो है इनके पास लंबी चौड़ी लिस्ट होती है कि वहीं कहीं भी जो है वो सर्वाइव जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास है वो लंबी चौड़ी जो है इनके पास है वो होती है, क्योंकि हमारे पास है कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखिए इंसान है, पूरी दुनिया में इंसान प्रेजेंट होते हैं, रीज़न क्या, उनके पास उनका सिर्फ हैबिटेट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर जो है वो यहाँ डे टाइम नाइट टाइम का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। रहते खाते वो भी वही हैं जो हम खाते हैं, ठीक है, बस उनका जो है वो पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब जो है इंसान जो अगर यहाँ से गया तो अगर इंसान यहाँ से गया है ना तो बाहर जो है वो बाहर जाएगा तो जाकर सर्वाइव कर ले, क्यों, वहाँ पे भी वही दुनिया जो जहाँ पे दुनिया, थोड़ा सा रूल एंड द रेगुलेशन का थोड़ा सा फ़र्क है। ह्यूमन आर द गुड एग्जांपल ऑफ जनरल स्पीशीज़ की, हमारे पास जो ह्यूमन है वो जनरल स्पीशीज़ की जो है वो गुड एग्जांपल है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है वो किसी भी हालात में इंसान जो है किसी भी हालात में जो है वो सर्वाइव जो है वो कर लेता है, ठीक है। सो टू आर सम पेस्ट स्पीशीज, अब उसने कहा हमारे पास जो है कुछ पेस्ट हैं, ठीक है, पेस्ट हमारे पास कीड़े मार जो है हमारे पास जो है वो उनकी जो हमारे पास जो है वो स्पीशीज हैं, उसमें उसने दिया है फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन स्टॉलिंग, ठीक है। यूरोपियन स्टॉलिंग जो है हमारे पास जो है ये पेस्ट है, ठीक है, ये पेस्ट है, ये उसने जो है उसने कहा कि हमारे पास जो यूरोपियन स्टॉलिंग है ये हमारे पास जो है वो एक पेस्ट है, ठीक है। अब उसने कहा है कि हमारे पास जो यूरोपियन स्टॉलिंग है इंट्रोड्यूस इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स आज सेंचुरी को, कहते हैं कि 100 साल, सेंचुरी का मतलब 100 ईयर्स अगो हमारे पास था कि हमारे पास जो ये यूरोपियन स्टॉलिंग है हमारे पास हमने इंट्रोड्यूस करवाया था यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में, लेकिन 100 साल पहले हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड नाउ लिविंग इन ऑलमोस्ट एवरी अवेलेबल टाइप ऑफ द हाइब्रिड, कहता अब वो जो है वो आजकल जो है वो उसको जो भी हाइब्रिड अवेलेबल हो रहा है उसको जो भी हाइब्रिड अवेलेबल है वो उसके अंदर भी उसके अंदर ही है वो सर्वाइव कर रहा है। पहले हमने उसको पाया था यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, यूएसए में, देन यूएस में, अब देखिए अब कहते हैं 100 ईयर्स को, अब 100 साल बाद जो है वो उसको जिस टाइप का भी हैबिटेट मिल रहा है ना, जिस टाइप का उसका हैबिटेट मिल रहा है वो जो है वो उसी के अंदर ही है वो जो है वो सर्वाइव जो है वो कर रहा है, ठीक है। अब उसने कहा है कि अब देखिए वो हर हैबिटेट में सर्वाइव तो कर रहा है, ह्यूमन भी हर हैबिटेट में सर्वाइव कर जाता है। अब उसने अब कहा है कि ये उसका एडवांटेज है ना कि वाइड वैरायटी ऑफ द हैबिटेट है, वाइड वैरायटी ऑफ द फूड है, तो हर चीज़ का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो उसने कहा अब हमारे पास जो डिसएडवांटेज है जर्नलिस्ट का, हमारे पास वो डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज फॉर द जर्नलिस्ट इज डैट ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे ईट एंड लिव, कहता है हमारे पास डिसएडवांटेज ये है कि अब वो हर जगह पर रह भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, ईट एंड द लिव, ठीक है। दे फेस कंपटीशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, कहता है वो हर जगह पे रह भी सकते हैं खा भी सकते हैं, लेकिन मसला क्या है उनके अंदर जो है वो कंपटीशन आ जाता है, कंपीट करना आ जाता है, आगे बढ़ना आ जाता है। अब देखें अगर एक घर के अंदर 10 लोग रहते हैं तो हर उन 10 लोगों में सारी कोशिश होगी कि पहले खाना मुझे मिल जाए, ताकि पहले जो है मेरा जो है मैं खाना खाऊँ, मेरी जो एनर्जी है वो फुलफिल हो जाए, कंपटीशन आ जाता है ना। अगर देखें अगर 10 लोग हैं जो खाना अगर 7 लोगों के लिए ना, तो हर किसी की जल्दी होगी कि सबसे पहले जो है ये चीज़ है ये हमें मिल जाए, क्यों? क्योंकि जो है ये जो फूड है मुझे मिल जाए, क्यों? क्योंकि जो है मैं सर्वाइव कर पाऊँ। जब आपके पास इनसफिशिएंट फूड होती है ना तो फिर जो है फिर जो है डेथ होती है, जब जिनको फूड नहीं मिलेगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, डेथ हो जाएगी। अब थल और थाल को ये देखें, फूड वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर जो फूड है वहाँ पर प्रॉपर इक्वल फूड नहीं है, ठीक है, हर किसी को खाना नहीं मिलता, जिसको खाना मिलता है वो सर्वाइव कर जाता है, जिसको खाना नहीं मिलता डेथ हो जाती है, रोज़ लोग जो है पानी से मर जाते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे खाने की वजह से जो है वो लोग मर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग जहाँ इंसान इतना ज़ाया करते हैं खाना, ठीक है। समथिंग डैट स्पेशलिस्ट ऑफन अवॉइड, कहता अब ये जो चीज़ है ना ये हमारे पास जो स्पेशलिस्ट में अवॉइड होती हैं, क्यों? क्योंकि जो है जो स्पेशलिस्ट होती हैं उनका जो हैबिटेट भी स्पेसिफिक है, उनकी डाइट भी स्पेसिफिक है, उन पर कंपटीशन नहीं आता। लेकिन अगर कोई डिजीज़ अटैक कर जाएगी ना, अगर कोई डिजीज़ अटैक करेगी फिर उनका नंबर जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, उससे क्या होगा फिर उनका जो नंबर है फिर जो है वो डिक्रीज़ कर जाना है, ठीक है, नंबर डिक्रीज़ करेगा, उससे क्या होगा फिर वो स्पीशीज़ वो डाइट है उनकी उन दोनों की जो है वो डेथ हो जाएगी, ठीक है, और जो है हमारे पास जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ चला जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो लेक्चर है वो आज का समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई जो बात है कोई टॉपिक है वो कुछ लाइन जो है अगर आपको समझ नहीं आई तो आप जो है मुझसे जो है वो कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये भी आप लोगों का मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन में ही से ही आपको मिलेगा, या जो आप लोगों की जो रामे की बुक है ना आप लोगों ने 1st सेमेस्टर में पढ़ी थी उसके अंदर भी जो है ये टॉपिक जो है वो प्रेजेंट है। आप करें आप जो है वो कंपेरिजन करके जो है वो पढ़ लिया करें, ठीक है, आप जो है वो कंपेरिजन करके पढ़ लिया करेंगे, अगर कोई गलती नहीं है उसके अंदर जो है फिर आप उसी से याद कर लें, वरना अदरवाइज़ है आप प्रेफरेंस जो है वो मिलर एंड हार्ले जो है वो 4th एडिशन को ही दिया करें, ठीक है, उसी में से ही जो है वो पढ़ा करें। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो बच्चों आप जो है वो मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।